स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा में। मैं हूं आपके साथ संगीता यदुवंशी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस बड़ी खबर के साथ। कोरोना को लेकर एक बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर 24 घंटे में मिले 3,44,000 से ज्यादा कोरोना मरीज, 2,620 कोरोना मरीजों की हुई मौत, वहीं 2,20,000 से ज्यादा मरीज रिकवर हो चुके हैं, लेकिन कुल केसेस का आंकड़ा 1,66,00,000 के पार पहुँच गया है। कोरोना को लेकर बड़ी और अहम जानकारी, देश में किस तरीके से कोरोना का ब्रेक फेल हो गया उसको देखते हुए, वहीं महाराष्ट्र की स्थिति बेहद खराब, 24 घंटे में 66,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। देश की बात की जाए तो 3,44,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, वहीं 2,620 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है बीते 24 घंटे में, 2,20,000 से ज्यादा मरीज रिकवर हो चुके हैं, लेकिन कुल केसेस का जो आंकड़ा है वो 1,66,00,000 के पार पहुँच गया है। महाराष्ट्र में स्थिति बेहद खराब है, 66,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है बीते 24 घंटों में। देश की बात की जाए तो 3,44,000 से ज्यादा कोरोना मरीज सामने आए हैं, वहीं 2,620 कोरोना मरीजों ने बीते 24 घंटे में दम तोड़ दिया है। कोरोना को लेकर लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं बड़ी और अहम जानकारी से, जहां पर महाराष्ट्र में स्थिति बेहद खराब है, 24 घंटों में 66,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। देश की बात की जाए तो 24 घंटों में 3,44,000 से ज्यादा कोरोना मरीज सामने आए हैं, वहीं 2,620 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है बीते 24 घंटों में। कोरोना को लेकर बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर महाराष्ट्र में स्थिति बेहद खराब बनी हुई है, 24 घंटे में 66,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। देश की बात की जाए तो 3,44,000 से ज्यादा कोरोना मरीज सामने आए हैं, वहीं 2,620 कोरोना मरीजों ने बीते 24 घंटे में दम तोड़ दिया है।